मोहर्रम नजदीक है और उसको लेकर यूपी पुलिस ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें जिस भाषा का उपयोग हुआ है उससे मुस्लिम समुदाय, शिया समुदाय के लोग काफी नाखुश है। बात करने के लिए मौजूद है सब वक्त शिया समुदाय से गुरु मौलाना यासर अब्बास साहब, बहुत सारे दर्शक गाइडलाइंस से बहुत दिक्कत है, क्या ऐसे करते हैं? देखिए, ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड इस गाइडलाइन की भरपूर तरीके से मजम्मत करता है, मुखालिफत है, हमें बहुत विरोध है। एक विरोध नहीं है, एक तो उन्होंने तबर्रा कहा है, लफ्ज तबर्रा वो जानते हैं, तबर्रा हमारे यहाँ जिस श्रेणी में नमाज है फुरू दीन में, उसी श्रेणी में हमारे यहाँ तबर्रा है। तबर्रा जैसे पवित्र शब्द को बदनाम किया जा रहा है। इसके अलावा ये कहा गया है कि इसके अंदर आपके पतंगों के ऊपर, आवारा पशुओं के ऊपर अपशब्द लिखे जाते हैं, और एक हमें पूरे उत्तर प्रदेश में एक FIR दिखाई जाए, एक FIR हो पूरे उत्तर प्रदेश में जिसके अंदर पतंगों के ऊपर या आवारा पशुओं के ऊपर कोई अपशब्द का प्रयोग किया गया हो, या गौपुछी हुई हो किसी मुहर्रम के जुलूस में। बल्कि मुहर्रम में हम लोग अपने सीने पर मातम करते हैं, अपने सीने पर हाथ रखते हैं, अपने सर पर खमा लगाते हैं, अपने सर से खून बहाते हैं, हम दूसरे का खून नहीं बहाते। मुहर्रम मोर्निंग है, मुहर्रम त्यौहार नहीं है, मुहर्रम गम का महीना, यह त्यौहार नहीं है। दिस इज नॉट अ फेस्टिवल, ये फेस्टिवल नहीं है। तो बहरहाल इट इज नॉट अ फेस्टिवल, फेस्टिवल नहीं है बिल्कुल ये। और जिस तरीके से DDP की यह गाइडलाइन है, मैं इस गाइडलाइन का आज 5 बजे ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की बैठक होने जा रही है हमारे अहदेदारान की, हमारे यहाँ 5 बजे, और उसके बाद में एक पत्रकार वार्ता भी होगी, और हम इसका भरपूर तरीके से विरोध करेंगे, और सारे मेंबर नाखुश हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से इसका विरोध ही नहीं किया जाएगा, बल्कि कई अहम निर्णय लिए जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जो कम्युनिटी है शिया समुदाय और दूसरा जो मुस्लिम समुदाय है उन तक के वो निर्देश पहुंचाएंगे। टाइम पीस में लिखी है जो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसमें कि एक लाइन जॉन फिशर को लेकर है, एक बॉक्सी को लेकर है, तो क्या असर लगता है उसमें बास्केट क्या 7 चैन सुधरेगा बिगड़ेगा? देखिए, पहला नंबर 4 के ऊपर इसके अंदर लिखा है धार्मिक जुलूसों एवं कार्यों, यौन संबंधों, घटनाओं, गौवंश वध, तो इसके अंदर कहां के ऊपर ये सब होता है मुहर्रम के जुलूसों में? क्या DGP साहब ये नहीं जानते हैं कि खाली शिया मुहर्रम के जुलूस नहीं उठाते हैं, बल्कि कितने मुसलमान दूसरे हैं जो जुलूस निकालते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हिंदू हैं जो ताजिए निकालते हैं और ताजिए उठाते हैं और ताजिए सजाते हैं? लाखों रुपए की कीमत के ताजिए रखे जाते हैं बड़े बड़े, और उसके अलावा कौन सा यौन संबंध होता है? कोई FIR है उनके पास में? ये पूरी किसी वहाबी की जो आजादारी और मुहर्रम के खिलाफ सऊदी अरब, एडेड बाय सऊदी अरब, ये उसने बैठ के ये गाइडलाइन लिखवाई है। मैं आपके आज तक चैनल के ऊपर खुल के ये बात कह रहा हूँ, एडेड बाय सऊदी अरब, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और 4-5 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले शिया सुन्नी उत्तर प्रदेश को शिया सुन्नी दंगों में झोंकने की यह साजिश है, ये गाइडलाइन, ताकि एक मामला जो खत्म हो गया था फिर से तबर्रा और मदे साहबा और मुहर्रम के जुलूस, इसको हाईलाइट कर दो बहुत होशियारी से, ताकि मामलात बिगड़े और उनके मुखबिर जाके जहां मजलिस हो रही हो, जहां मातम हो रहा हो, जहां ताजिया रखा गया हो, वहां मुखबिर जाके कहें ये तबर्रा हो रहा है, ये तबर्रा पढ़ा जा रहा है, ताकि वहां के ऊपर टेंस हो, और जब न्यूसेंस क्रिएट होगा तो हालात खराब होंगे और मुहर्रम के ऊपर प्रॉब्लम आएगी और दिक्कत आएगी, लिहाजा इसको लेके हम इसका भरपूर तरीके से विरोध करें। मौलाना कलवेज जवाब साहब ने तो ये तक कह डाला है कि ऐसा लगता है किसी तालिबानी या किसी अलकायदा काइंड ऑफ सोच के रखती हुई पाती है। भाई, मैं भी तो ये बात कह रहा हूँ, जो जो हमारे धर्म गुरुओं ने जो बात कही हम उनकी हर बात का समर्थन करते हैं, हर बयान का, और मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि सऊदी अरब उससे ऊपर उठ के मैं कह रहा हूँ कि तालिबानी सोच है और सऊदी अरब बाकायदा इसके पीछे वहाबी, खुल के कहता हूँ वहाबी हाथ है, जिन्होंने हमारे प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी के मदार को गिराया, जिनको ये मुहर्रम अच्छा नहीं लगता है, जो हुकूमत वाला इस्लाम चाहते हैं, मोहम्मदियत वाला, इमाम हुसैन वाला इस्लाम नहीं चाहते हैं, वो इस मुहर्रम को बंद कराना चाहते हैं। न केवल शिया समाज बल्कि हिंदू मुस्लिम की तरफ से जैसे लग रहा है, देख के इसको अमन चैन जो है उसको खत्म करना चाहिए।
देखिए इसके अंदर एक लफ्ज है गौ वंश मत, इसको लेके बाकायदा हिंदू मुस्लिम सिख शिया सुन्नी नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम भी साजिश की बू आ रही है इसके अंदर। इसके अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके अंदर बाकायदा एक्शन लेना चाहिए और ऐसे डीजीपी को तत्काल वहां अपने ओहदे से हटा के किसी जिम्मेदार आदमी को इसको बनाना चाहिए और ताकि वो ये माहौल को खराब होने से रोका। इसके अलावा और कोई मांगे आप लोगों की तरफ से? भाई इसके अलावा अभी हम 5 बजे बैठक करने जा रहे हैं, 5 बजे हम बैठक करके उसके बाद पत्रकार वार्ता करेंगे, जो भी हम उसके अंदर तय करेंगे वो हम आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मौलाना यासुद अब्बास जी, जो कि शिया धर्म गुरु हैं। इनका साफ कहना है कि ऐसा लगता है किसी साउदी वहाबी या किसी तालिबानी सोच व्यक्ति ने निकल लिखा है और उन्होंने बीजेपी के पर खासगी की मांग यहाँ से। कैमरामैन निश कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव आज तक।